हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज टेबल पर आपको दो आउटडोर दिख रहे हैं, एक है पैनासोनिक का और एक है एलजी का। ये दोनों ही एसी हमने खरीदे हैं अमेजोन से आप लोगों को इनकी क्वालिटी दिखाने के लिए और इनकी टेस्टिंग दिखाने के लिए। ये है पैनासोनिक का एसी जो कि 3 स्टार रेटिंग में आता है और ये है 4 स्टार रेटिंग का एलजी का एसी। आज इस वीडियो में इनका एक कंपैरिजन होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों ही आउटडोर यूनिट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या है इनमें डिफरेंसेस। इनको हम ओपन करके देखेंगे, यानी कि इनसाइड व्यू होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। इन दोनों ही एसीज का इनसाइड व्यू लेने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये है एलजी का एसी, आप देख सकते हैं यहां पर एलजी की ब्रांडिंग है, ड्यूल इन्वर्टर की बैजिंग है, ये है इसका फ्रंट ग्रिल और यहां पर स्टार रेटिंग का एक स्टिकर लगा हुआ है। बेज कलर में ये आउटडोर है इनका और यहां पर ये फ्लैप दिया गया है, कवर है जो कि पावर के कनेक्शंस को भी छुपा कर रखता है और जो यहां पर कॉपर के कनेक्शंस होते हैं वो भी यहां पर फ्लैप में अंदर रहते हैं। बाकी यहां पर एक स्टिकर लगा है टेक्निकल जिसके ऊपर इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। R32 गैस जलती है इसमें और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5000 वॉट है और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5500 वॉट है। और यहां पर ये सारी वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी गई हैं, तो ये तो सब आपने पहले भी देखा है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक एम्बिएंट सेंसर यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि ये एक इन्वर्टर एसी है और इसके जो फिन्स हैं आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के हैं क्योंकि एलजी वाले ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन जो है वो ऑफर करते हैं अपने फिन्स के ऊपर। और यहाँ पर एक बात है कि कोई भी ग्रिल यहाँ पर फिन्स की सेफ्टी के लिए नहीं लगाई गई है, बिल्कुल ओपन है। उसके बाद यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर है साइड में, आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको ये प्लास्टिक का कवर है, ये मेटल नहीं यूज़ किया इन्होंने। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं इसको, ये सारा प्लास्टिक है बिल्कुल। और इस तरफ भी ग्रिल के ऊपर फिन्स के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट स्टिल इस प्लास्टिक की ग्रिल से काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये है एलजी के एसी का ओवरव्यू। अब चलते हैं हम पैनासोनिक वाले की तरफ। तो पैनासोनिक का जो ये एसी है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक फ्लैप लगाया गया है, लेकिन ये फ्लैप सिर्फ पावर कनेक्शंस के ऊपर है जबकि जहाँ पर कॉपर के पाइप्स के कनेक्शन होंगे वो बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे कोई भी इसकी कवरिंग के लिए फ्लैप नहीं दिया गया है, तो ये मुझे एक कंपैरिजन में नेगेटिव पॉइंट लगा यहाँ पर। उसके बाद स्टिकर जो है यहाँ पर भी लगा हुआ है टेक्निकल जिसमें इसकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एम्बिएंट सेंसर लगाया गया है तो इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हो। अगर आप कंपैरिजन में जाओगे तो यहाँ पर ये सिंपल एक क्लिप लगा के लगा दिया गया है जबकि एलजी में यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग में है वो सेंसर। सो आप देख सकते हो जो भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये जो इसकी कॉइल है ये ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है क्योंकि ब्लू फिन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इसको शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी भी बोल दिया जाता है। सो ऐसे में दोनों में ये डिफरेंस है कि एलजी वाले ब्लैक फिन्स देते हैं और पैनासोनिक वाले देते हैं ब्लू फिन्स। अब साइड में आते हैं, साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लोहे का एंगल लगाया गया है और यानी कि पूरी की पूरी मेटल की फ्रेमिंग है इसकी, जबकि एलजी में वो वहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया गया था। लेकिन दोनों में फ़र्क आप देख सकते हो, एक साइड पे फिर भी कवरिंग दी है एलजी वालों ने लेकिन यहाँ पर जो कॉयल है वो बिल्कुल ओपन है, कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है फिन्स के ऊपर। यानी कि यहाँ पर कुछ भी लगेगा तो फिन्स जो है वो बैंड हो सकते हैं या उनको नुकसान पहुँच सकता है। फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट के ऊपर सर्कुलर शेप में यहाँ पर आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है फैन की, जहाँ से हवा बाहर निकलेगी। और सामने की तरफ पैनासोनिक की ब्रांडिंग है, इसके ऊपर कहीं पर इन्वर्टर की ब्रांडिंग नहीं है और ये हॉट एंड कोल्ड एसी है तो वो भी कहीं नहीं लिखा। और तो और इसके आउटडोर के ऊपर कहीं भी स्टार रेटिंग का स्टिकर भी नहीं लगा हुआ है जो कि इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये तो हुआ इन दोनों ही एसीज का ओवरव्यू। अब इनको ओपन करके लेते हैं इनका इनसाइड व्यू। तो दोनों ही एसीज को हमने ओपन कर लिया है, अब देखेंगे एक एक करके कि कैसी है इनकी क्वालिटी और क्या सिमिलैरिटीज हैं इनमें और क्या है इनमें डिफरेंसेस। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे राइट साइड के ऊपर है पैनासोनिक का एसी और यहां पर है एलजी का एसी। दोनों का इनसाइड व्यू आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर पैनासोनिक के एसी के बारे में आपको बताता हूं। तो कंडेंसर की यहां पर बात करें तो डबल रो का कंडेंसर है, आप देख सकते हैं 2 रो का यहां पर कंडेंसर है और फिन्स जो है वो ब्लू फिन्स है यहां पर। इसको ब्लू फिन टेक्नोलॉजी ही कहते हैं, लेकिन यहां पर आप देखो कि ब्लू कलर की एक कोटिंग की गई है सी बेंड्स के ऊपर, ये आप देख पा रहे हो सी बेंड्स के ऊपर ब्लू कलर की एक कोटिंग की गई है। सिर्फ इसको शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी बोला जाता है पैनासोनिक वालों की तरफ से। और यहाँ पर आप देखो ये है इसका आउटडोर फैन जिसके सिर्फ 2 ही ब्लेड हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एलजी से कंपेयर करूँ तो आपको साफ दिख रहा है कि कॉस्ट कटिंग यहाँ पर की गई है। उसके बाद
क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग सेम ही है, क्योंकि बनावट वगैरह सब सेम है। अब आते हैं कंप्रेसर के ऊपर, तो कंप्रेसर यहां पर आप देख सकते हैं रोटरी कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है और दो पार्ट में होता है ये, आप देख सकते हो। दोनों का कंप्रेसर भी लगभग सेम ही है, आप देख सकते हो, बस इसकी प्लेसमेंट का फर्क है। एक इस पैनासोनिक वाले में कंप्रेसर आगे है और इसमें कंप्रेसर यहाँ पर पीछे की तरफ है, और ये जो छोटी सी बोतल है, जो देसी भाषा में आपको बताऊं तो ये यहाँ पर आगे है, उसमें वो पीछे की तरफ है, बस इतना ही फर्क है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी की, यहाँ पर कंप्रेसर का जो बेस है वो आप देखिए किस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए तो किस तरह से बना हुआ है। तो क्वालिटी यहां पर एलजी वालों की मुझे थोड़ी बेटर लग रही है। उसके बाद ये है इसका पीसीबी बॉक्स, जो कि एक मेटल की शीट के अंदर कवर्ड है। नीचे से दिखाना चाहूंगा तो यहां पर प्रॉपरली पीसीबी जो है कवर की हुई है, और सिमिलरली एलजी के एसी में भी आपको इसी तरह से मिलता है सब कुछ। नीचे की तरफ पीसीबी होती है और ऊपर मेटल का एक शीट लगाया जाता है। उसके बाद बात करें यहां पर, तो पैनासोनिक के एसी में इस तरफ कोई भी शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई है। आप देख सकते हैं सारे के सारे कॉपर पाइप्स जो हैं वो बिना कोटिंग के हैं, जबकि इस तरफ ब्लू कलर की कोटिंग की गई है, लेकिन इस तरफ कोई भी कोटिंग किसी भी पाइप के ऊपर आपको नहीं मिलती है। और यहां पर एलजी की बात करूं तो एलजी में भी जो फिन्स हैं वो ब्लैक कलर के आपको मिलेंगे, ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एलजी वाले। और एलजी में भी डबल रो का कंडेंसर है, आप देख सकते हैं दो रो है कंडेंसर की, और इनके सी बैंड्स के ऊपर भी ब्लैक कलर की कोटिंग हो रखी है, और इस कोटिंग को और ये ब्लैक फिन जो भी है ये सारी को ये ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन ही बोलते हैं। लेकिन एलजी वालों ने भी इस तरफ कोटिंग की है कॉपर के पाइप्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं इस तरफ की तो यहां पर कोटिंग नहीं मिलेगी आपको पाइप्स के ऊपर, ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी दिखाया हुआ है। सो बहरहाल दोनों की क्वालिटी अगर मैं कहूं कोटिंग को लेकर तो सेम है। अगर मैं पंखे पे आऊं तो यहां पर देखो ये थ्री ब्लेड है इसके, और पंखे की क्वालिटी भी अच्छी है, व्हाइट कलर का है, और यहां पर दो ब्लेड है सिर्फ और ये ब्लैक कलर का है। और मोटर की बात करूं तो लगभग सेम ही मोटर है इनकी, और मोटर का फ्रेम भी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाया है, और यहाँ पर ऊपर बस इस तरह का बना रखा है। तो बहरहाल दोनों की क्वालिटी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, आप अंदर की तरफ देखोगे तो एक कैपलरी आपको नजर आएगी, पतला सा जो पाइप होता है वो कैपलरी बोलते हैं उसको। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है, और उसके बाद पाइप्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको अंदर की तरफ आप देखोगे कुछ सेंसर्स दिखेंगे, यहाँ पर कैपलरी आपको नहीं मिलेगी, और ये इस तरह से पाइप बाहर आ जाते हैं। तो ये है इसका इनसाइड व्यू दोनों का। तो आपने होप सो देख लिया कि कौन से एसी में कौन सी चीज कहां पर प्लेस है और किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन किया है दोनों ही ब्रांड्स ने। बस हाँ, जो मोटा मोटा फर्क है वो आप देख पा रहे हो फैन को लेकर है। फैन यहाँ पर थ्री ब्लेड्स में है, व्हाइट कलर का है, और यहाँ पे टू ब्लेड्स का है और ब्लैक कलर का है। हालांकि टू ब्लेड्स का जो फैन है थोड़ा अटपटा लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि एक आधा ब्लेड इसका टूटा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, इफेक्टिवली काम करता है ये भी। बाकी यहां पर दो जैकेट्स पड़ी हुई हैं, दोनों ही एसी के जो कंप्रेसर्स होते हैं वो जैकेट के साथ आते हैं, तो इसमें इस तरह का जैकेट मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और एलजी के एसी में भी जैकेट मिलता है कंप्रेसर के ऊपर। अगर जैकेट्स के आपस में कंपैरिजन की बात करूं तो ये थोड़ी सी पतली है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। जैकेट्स होती क्यों है, काफी लोग ये पूछते हैं, क्योंकि जैकेट होने से कईयों को ये लगता है कि कंप्रेसर और हीट हो जाएगा। बेसिकली जैकेट्स का जो मकसद है वो हीट से नहीं है, जैकेट होने से कंप्रेसर की नॉइस को रोका जाता है। ये एक्वेस्टिक जैकेट्स होती हैं जो नॉइस को कम करती हैं, तो ऐसे में जैकेट होना एक अच्छी बात है, उससे नॉइस लेवल कम होता है आउटडोर यूनिट का या फिर कंप्रेसर का। तो बहरहाल ये सारी चीजें आपने देख ली, एक एक करके मैंने सारे चीजें आपको दिखाई हैं कि पैनासोनिक के एसी में क्या क्या ऑफर करते हैं पैनासोनिक वाले, क्या टेक्नोलॉजी है, एलजी में क्या क्या मिलता है हमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।